नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी के शो हेल्थ मंत्रा में, जिसमें हर बार हम एक नए सेगमेंट पे बात करते हैं। आज हम एक नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो चुके हैं जो है ENT पर। वो आज हम बात करेंगे डॉक्टर पंकज वर्मा से, जो ENT स्पेशलिस्ट हैं, और इनसे आज जानेंगे कि क्या आज ये हमें खास बताने वाले हैं। तो आइए सीधे बात करते हैं डॉक्टर पंकज वर्मा से। सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, हमारा जो ये प्रोग्राम है हेल्थ मंत्रा, उसमें हम लोग हर बार एक नए सेगमेंट पे बात करते हैं, एक नए डिजीज़ पे बात करते हैं, जिससे लोगों की बहुत सारी क्वायरीज होती हैं, जो छोटी छोटी क्वायरीज लोग नहीं जान पाते हैं, जिनकी बारे में जानकारी नहीं होती है, उसका हम डिस्कशन इसमें शो में हम अपने करते हैं। तो सर, आज हम आपसे एक ऑटोमाइकोसिस पे बात करना चाहेंगे कि ऑटोमाइकोसिस होता क्या है। ऑटोमाइकोसिस का मतलब होता है कान में होने वाला फंगल इन्फेक्शन। ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और इसमें अक्सर बारिश के टाइम ये देखने को ज़्यादा मिलती है। जी अच्छा, ये ऑटोमाइकोसिस जो आपने कान ईयर फंगल इन्फेक्शन के लिए बात की है, तो ये होने का बेसिकली कारण क्या होता है कि अचानक से ये इस तरीके से क्रिएट हो जाती है? ऐसा ये देखा गया है कि जो गर्म कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, तो बारिश के टाइम में अक्सर नमी बहुत बढ़ती है, तो इस दौरान अगर हमारे कान में किसी भी तरह का फंगल स्पोर पहले से मौजूद है तो फिर वो जर्मिनेट कर जाएगा और आगे बढ़ के फिर वो एक तरह से फंगल इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, फिर उसके वजह से आगे कुछ समस्याएं पैदा हो जाती हैं। जी डॉक्टर, हम कुछ इसके लक्षण जानना चाहेंगे कि किस तरीके के लक्षण हमें देखने के लिए मिलते हैं, ताकि हम जैसे आने वाले टाइम में, जैसे अगर हमें लक्षण पता चल जाए तो हम समय रहते इनका इलाज कर पाएँ। तो कुछ ऐसे लक्षण के बारे में हमें बताइए जिनसे हम जान पाएँ कि ये ईयर फंगल इन्फेक्शन है। बिल्कुल सही कहा आपने, लक्षण बहुत ही कॉमन है और अक्सर हम लोग सभी लोग कभी ना कभी इसका एहसास करते हैं। सबसे पहले अगर किसी को कान में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा खुजली होगी कान में। आगे जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ऐसा लगेगा कि कान बंद हो रहा है या फिर कान के अंदर कोई चीज़ फंसी हुई है। थोड़े दिनों बाद इससे कान से हल्का पानी निकलना शुरू होता है और अगर ज़्यादा आगे ड्यूरेशन तक ये गया तो बहुत ढेर सारे लोगों को इसमें फिर दर्द शुरू होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा डॉक्टर, क्या इस ऑटोमाइकोसिस के कुछ टाइप्स भी होते हैं, जिससे कई बार ऐसा होता है कोई कई बीमारियां ऐसे होती हैं जिनके अलग अलग फॉर्म होते हैं, तो क्या इसके भी कोई टाइप्स होते हैं? हाँ नहीं, बिल्कुल टाइप होते हैं। वैसे तो फंगल इन्फेक्शन के सिम्टम मोर ऑर लेस लगभग एक ही जैसे होते हैं, लेकिन टाइप्स डिपेंड करता है किस तरह के फंगल का इन्फेक्शन हुआ है। अभी जैसे कान में होने वाले फंगल इन्फेक्शन में जो फंगस की वैरायटी है वो या तो एस्परजिलोसिस होती है या कैंडिडियोसिस होती है। एस्परजिलोसिस जो फंगस है वो यूजली ब्लैक कलर का फंगस होता है, ब्लैक हेड। आपने देखा होगा कि अगर किसी ब्रेड को नमी की कंडीशन में रख दिया जाए तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की एक सरफेस जमा हो जाती है, वो यूजली एस्परजिलस की होती है। कैंडिडा बिल्कुल क्रीम कलर का होता है और ऐसा लगता है कि जैसे वेट पेपर को हमने भिगो के रख दिया है, उसी तरह की एक ग्रोथ होती है। तो ये दो तरह की वैरायटी होती हैं, लेकिन दोनों में मोर ऑर लेस सिम्टम एक ही जैसे होते हैं। अच्छा, अगर हम कान में जो फंगल इन्फेक्शन है उससे किस तरीके से बचाव किया जा सकता है, जो भी आपने दो टाइप हमें बताए हैं उनसे किस तरीके से उनको बचाया जा सकता है, किस तरीके से उनका बचाव किया जा सकता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली बचाव बहुत ही सिंपल हैं और डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं कि हमारे कान में अगर थोड़ा बहुत भी खुजली होती तो हम माचिस की तीली या चाबी या कोई भी चीज़ आसपास जो पड़ी होती है उसको उठा कर कान में डाल लेते हैं, तो एक बहुत बड़ा मीडियम है जिसकी वजह से कान में फंगल इन्फेक्शन जाता है। दूसरा, अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों के कान बहते रहते हैं किसी की वजह से, जैसे पर्दा डैमेज है उसमें पस डिस्चार्ज आता रहता है, अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लें और रिकरेंट पस डिस्चार्ज हो जाए तो कान के अंदर एक नमी बनी रहती है और उस नमी की वजह से फंगस ग्रो कर जाता है। तीसरा, हम लोग हेडफोन्स यूज़ करते हैं, इंसर्ट फ़ोन यूज़ करते हैं, आज की डेट में वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। हम किसी का हेडफोन उठा के कान में लगा लेते हैं, उस पर हमें सावधानी बरतनी चाहिए, वो प्रॉपर क्लीन होने चाहिए और कोशिश करें अपना ही हेडफोन यूज़ करें ताकि दूसरे का फ़ोन ना यूज़ हो। हम लोग गर्मी के दिनों में स्विमिंग पूल में जाते हैं, स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं तो प्रॉपर ईयरबड लगा के नहाना चाहिए,
अगर कान में पहले से किसी तरह की बीमारी है या पहले कभी फंगल इन्फेक्शन हो रखा है तो नहाते समय हमको प्रॉपर कॉटन प्लग यूज़ करना चाहिए, कॉटन ले लेनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा वैसलीन लगाने लगना चाहिए ताकि पानी अंदर ना जाने पाए। अगर नमी नहीं रहेगी तो फंगस के ग्रो करने के चांसेस बहुत कम है। जी अच्छा, आपने ये जो भी इसकी बात की है, जो हेडफोन्स एंड ब्लूटूथ वगैरह के लिए बात की है, तो वो सिर्फ ये है कि क्लीन नहीं है इस वजह से इन्फेक्टेड कर रहा है, बाकी जो उनकी रेज है, जैसे ब्लूटूथ की रेज बहुत हाई होती है तो उसमें बोलते हैं कि उनकी वजह से भी इन्फेक्शन होता है, तो क्या वो रीज़न भी है? नहीं, वो रीज़न नहीं है, उससे फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है, उससे फंगल इन्फेक्शन के कोई चांसेस नहीं है। हाँ, वो दूसरी तरह से आपको स्किन में भले हार्म करें बट एज सच कान में फंगल इन्फेक्शन नहीं करेंगे जी। अच्छा, अगर हमें डॉक्टर को दिखाने की बात करते हैं कि हमें किस टाइम पीरियड में, क्योंकि अभी क्या होता है कि हम आम एक लाइफ जी रहे हैं और अचानक से हमारे कान में अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस तरीके से हमारी शुरू होती है तो हम जज नहीं कर पाते हैं। तो वैसे तो आपने अभी हमें लक्षण बताए हैं कि किस तरीके से होता है, लेकिन एक डेडलाइन भी एक होती है कि किस टाइम पे हमें डॉक्टर से सलाह मशवरा करना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हमें ज़रूर उनसे सलाह मशवरा कर लेना चाहिए, नहीं अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं, बिल्कुल, देखिए अगर आपके कान में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, परसिस्टेंट इचिंग हो रही है और उससे कान से हल्का सा पानी निकल रहा है और साथ में दर्द भी शुरू हो रही है, तो आपको तुरंत किसी नियरेस्ट ENT स्पेशलिस्ट के पास जाकर के आपके कान अपने कान एग्जामिन कराने चाहिए ताकि आगे प्रॉब्लम ना बढ़ने पाए। अच्छा, और जो ये है कि जैसे ऑटोमाइकोसिस अगर हमें जज हो जाता है तो उन पेशेंट को क्या ध्यान देने वाली बातें होती हैं, किन बातों का ध्यान हमें खास रखना पड़ता है? देखिए, ओटोमाइकोसिस कान का फंगल इन्फेक्शन है और कोई भी इन्फेक्शन अगर आगे बढ़ेगा तो प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि ये कान के बाहरी हिस्से में होता है तो इस वजह से ये कान के बाहरी हिस्से के जो कार्टिलेज है उसमें सूजन पैदा करता है जिसकी वजह से आपको बहुत तेज़ दर्द होगा। अगर ये बहुत दिनों तक आपके कान में रहा तो आगे चल के ये आपके पर्दे में भी सूजन पैदा करेगा और पर्दे को भी डैमेज कर सकता है। तो इन सारी परेशानियों से बचने के लिए हमें जल्द से जल्द डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सर, आपने अभी बोला कि अगर हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो और भी चीज़ें हमें एक ही कान के पर्दे को डैमेज करेगा, अगर हम इसका ध्यान में तो कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं कुछ और, कि अगर हमने टाइमली अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो हमें कोई और बीमारी से भी हम जूझ सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई बहुत सीरियस इलनेस नहीं होने जा रही है, लेकिन डेफिनेटली अगर कान के पर्दे में या कैनाल में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन हुआ या पर्दे में किसी तरह का इन्फेक्शन आगे बढ़ा तो हमें सुनने की प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि उसका इलाज संभव है लेकिन फिर भी हमें समय रहते इसका इलाज करा लेना चाहिए जी। अगर हम इनके इसके इलाज की बात करते हैं तो इससे निजात पाने का क्या इलाज है? इलाज बहुत सिंपल है, सबसे पहले तो आप अपने कान को किसी नियरेस्ट ENT स्पेशलिस्ट को दिखाएं ताकि वो चेक करें और बताएं कि ये किस तरह का इन्फेक्शन है, और कान में फंगल इन्फेक्शन है तो उसका पहले कान की सफाई होती है, सफाई होने के बाद डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ, ईयर ड्रॉप्स और कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है ताकि आपको होने वाले जो भी लक्षण हैं वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, इसका क्या ट्रीटमेंट के अलावा जो आपने मेडिसिन बताए हैं, जो ड्रॉप्स बताए हैं, उसके अलावा क्या कभी क्या सर्जरी का भी मौका पड़ सकता है कि सर्जरी भी की जा सकती है? नहीं, सर्जरी की तो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये इसका ट्रीटमेंट पूरी तौर से दवाइयों से ही संभव है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कान की सफाई रखना। कान की सफाई होनी चाहिए क्योंकि अगर फंगल इन्फेक्शन है अंदर और जब तक आप वो फंगल डेब्रिस बाहर साफ नहीं करेंगे तब तक ये पूरी तौर से ख़त्म नहीं होगा, और इसमें कई बार डॉक्टर के पास 2 या 3 विजिट करनी पड़ जाती हैं क्योंकि ये साफ़ करने के बाद कई बार फिर दोबारा से रीग्रो करता है, तो उसके लिए फिर डॉक्टर के पास दोबारा भी जाना चाहिए, और जब तक वो पूरी तौर से क्लीन ना हो, डॉक्टर जब तक पूरी तौर से दवाइयाँ कंप्लीट कोर्स ना दे दे तब तक ही हमें इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर, अगर जैसे हमें मालूम चलता है कि हमें ऑटोमाइकोसिस है, ईयर फंगल इन्फेक्शन है, तो उस दौरान हमें समय नहीं मिल पा रहा है, जैसे हम जान ही रहे हैं कि आज की डेट में लोग बड़ा समय का बड़ा इशू बनता जा रहा है सबके पास में, उस दौरान हम क्या कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे या घरेलू उपाय या कुछ ऐसा है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए पर्सन को आराम मिल जाए, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? देखिए, इन बिटवीन के लिए सिर्फ इतना ही किया जा सकता है, अगर आपको लग रहा है कान में इचिंग बहुत ज़्यादा है, पेन हो रहा है, तो आप नियर बाई मेडिकल शॉप से कुछ एंटी फंगल ड्रॉप्स आती हैं जो इजीली मिल जाती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, दर्द के लिए कुछ मेडिसिन, लोकल मेडिसिन जो ओवर द काउंटर मिलती हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फाइनली इसको आपको क्लीन ही कराना पड़ेगा तभी इससे निजात मिलेगी।
डॉक्टर, क्लीन करने के लिए क्या हम कुछ घर पे किसी तरीके से क्लीन कर सकते हैं? क्या ऐसा है, वैसे तो नॉर्मली ईयरबड से लोग क्लीन करते ही हैं, लेकिन उसमें क्या कुछ ऐसा भी होता है कि कोई लोशन लगा के हम लोग उसको घर पे क्लीन किया जा सकता है, जिससे कुछ टाइम पीरियड के लिए हमें रिलीफ मिल जाए? देखिए, जब भी कान में फंगल इन्फेक्शन होता है तो हम लोग पेशेंट को अवॉइड मना करते हैं कि वो ईयरबड ना यूज़ करे। वजह इसकी ये होती है कि फंगल डिब्रिस कान में अगर भरी होगी और आपने ईयरबड डाला तो वो कान के अंदर और पुश कर जाएगी, तो पुश करने की वजह से फिर वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी। तो बेटर ये है कि ईयरबड ना यूज़ करें। अगर बाहर कोई चीज़ आ रही है, आप ड्रॉप डालें, ड्रॉप डालने से अगर बाहर कोई चीज़ आ गई है कैनाल के, तो उसको आप साफ़ कर लें, लेकिन ईयरबड कान के अंदर ना डालें। क्योंकि ईयरबड ही सबसे सेफ एक बताया जाता है, कि आप जैसे माचिस की तीली से लोग कर लेते हैं या की अपनी डाल के कर लेते हैं, तो ईयरबड को सबसे सेफ बताया जाता है। अगर अब वो भी सेफ नहीं है, तो हम किस तरीके से क्लीन? देखिए, ईयरबड जो होती है कैनाल के अंदर कोई चीज़ क्लीन करने के लिए नहीं है, वो आपके कॉन्का मतलब जो कान का बाहरी हिस्सा है, अगर वहाँ पे कोई गंदगी आ गई है तो उसको क्लीन करने के लिए है। कैनाल एक ब्लाइंड पाउच है, और अगर उसके अंदर आपने ईयरबड चलाया तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उस बड से वो चीज़ और अंदर डीप पुश हो जाए। अगर वो पुश हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए अगर उसको यूज़ भी कर रहे हैं तो बहुत सावधानी से यूज़ करें और कोशिश करें वो बाहरी हिस्से में ही यूज़ करें, उसके अंदरूनी हिस्से में ना यूज़ करें। डॉक्टर, अगर हम जानना चाहें कि ये जो हम जिस डिजीज के लिए आज बात कर रहे हैं, ऑटोमाइकोसिस के लिए बात कर रहे हैं, तो ये क्या किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों को ही ज़्यादा अफेक्ट करता है या हर एज ग्रुप को अफेक्ट? नहीं, ऐसा कोई एज ग्रुप नहीं है, ये हर एज ग्रुप को अफेक्ट करता है, छोटे बच्चों से लेके और बुजुर्ग तक, किसी भी एज ग्रुप को ये सामान्यता एक ही जैसा रहता है। अच्छा डॉक्टर, ये है कि कुछ बीमारियां ऐसा होती हैं जो सीजनल होती हैं, तो क्या ये बीमारी भी एक सीजनल है, या फिर ये है कि किसी भी वेदर में या किसी भी मौसम में ये बीमारी हो सकती है? नहीं, ये देखा गया है इस बारिश के टाइम ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। वैसे तो लगभग हर सीज़न में केसेस आते रहते हैं, लेकिन वो उनकी संख्या बहुत कम होती है, बट जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है तो उस दौरान इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बारिश के टाइम ही इनके प्रभावित होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वैसे तो डॉक्टर, हम लोग हमेशा जो भी होता है कि कोई भी आज डिजीज़ होती है, तो सबसे पहले हम लोग एलोपैथी दवाई का ही फेवर करते हैं, और होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा को हम बाद में उसको बाद में हम देखते हैं। ये क्या है कि अगर हम दवाई की बात करें तो एलोपैथी, आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी, क्या सभी इसमें कारगर रहती हैं या सिर्फ एलोपैथी ही इसमें कारगर है? देखिए, अभी तक तो देखा गया है कि एलोपैथी का ही इसमें ये कारगर है, क्योंकि एंटी फंगल प्रॉपर रूप से एलोपैथी में ही अवेलेबल है। आयुर्वेदा में पहले जैसे घरों में प्रचलन था कि लोग कान में तेल डाल दिया करते थे, कान में किसी तरह का प्रॉब्लम होता था, तो बट इसमें इसमें ये चीज़ अवॉइड करनी की जाती है, हम लोग अवॉइड करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि आप किसी तरह का होम रेमेडीज या इस तरह की चीज़ें हम ना यूज़ करें। लोगों को देखा गया है कि लोग हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ करने का बहुत ज़्यादा प्रचलन है कान साफ़ करने के लिए, वो भी बहुत घातक होता है, और इस तरह की अगर किसी के कान में इस तरह का पहले से कोई परफोरेशन है और उसने हाइड्रोजन परऑक्साइड डाल लिया तो उसको बहुत सीवियर जलन हो सकती है, सुनने में दिक्कत हो सकती है, तो इस तरह की चीज़ें ट्राई नहीं करनी चाहिए। और आज की डेट में जब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, तो बेहतर है कि हमें उसके लिए एक उचित सलाह ले लेनी चाहिए और उससे उचित ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर, ये मेडिसिन्स के कुछ साइड इफेक्ट भी रहते हैं, तो क्या ऐसा कभी आपके आपको देखने के लिए आया है कि आपने जो दवाइयाँ जो सजेस्ट की हैं, कि कुछ प्रतिशत तो ऐसा होता कि साइड इफेक्ट आ जाते हैं, तो वो साइड इफेक्ट क्या होते हैं, किस तरीके के साइड इफेक्ट आ सकते हैं? नहीं, बहुत सही सवाल किया आपने। देखिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ओवर द काउंटर चीज़ें हम लेकर के यूज़ करते रहते हैं, मेडिकल स्टोर पे सारी चीज़ें हमें यहाँ मिल जाती हैं, तो कुछ लोग जैसे कान में ज़रा से भी कोई प्रॉब्लम होती है तो किसी भी तरह की कॉमन ईयर ड्रॉप्स लेके यूज़ करते हैं, तो कोई भी एंटीबायोटिक, कोई भी जो ईयर ड्रॉप्स होती हैं, अक्सर उसमें कॉम्बिनेशन ड्रॉप्स होती हैं जिसमें एंटीबायोटिक भी होता है, स्टेरॉयड भी होता है, एंटीफंगल भी होता है, तो हमें लंबे टाइम तक एंटीबायोटिक या स्टेरॉयड की ड्रॉप को यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए। अगर हम उसको ऐसा करेंगे तो फंगल इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस हैं। जब ज़रूरत हो आप तभी ड्रॉप का इस्तेमाल करें, उसके बाद फिर उसको आप बंद कर दें।
बट एंटीफंगल अगर डलवाई भी जाती है तो उसका एक निर्धारित टाइम है, 1 से 2 हफ्ते तक ही वो डलवाई जाती है। उसके बाद फिर जब वो फंगल इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है तो उसको बंद कर दिया जाता है। तो इन 2 हफ्तों में इस तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आता पेशेंट को। अच्छा डॉक्टर, वैसे ये भी होता है कि जो साइड इफ़ेक्ट की बात हम कर रहे हैं वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कुछ को बहुत ज़्यादा इम्फेक्ट कर जाता है, किसी के में साइड इफ़ेक्ट जो हैं जिनमें एकदम से देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन कुछ है, तो क्या इसमें भी ऐसा होता है कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है? बहुत कम देखने को मिला है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें टॉपिकल हैं और टॉपिकल में साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस बहुत कम होते हैं। पर फिर भी कुछ एक पेशेंट्स हम लोगों को मिलते हैं जिसमें देखा गया है कि जब भी ड्रॉप्स वगैरह डाला जाता है तो उनको उससे एलर्जी होने लगती है। तो अगर ऐसा है तो वो डॉक्टर को बताते हैं और फिर हम लोग उनको जो है या तो ड्रॉप चेंज कर देते हैं या उसको मेडिकेशन को चेंज कर देते हैं या रोक देते हैं। अच्छा डॉक्टर, अगर ये है कि हम अगर उनके खाने पीने की बात करते हैं जो ऑटोमाइकोसिस से सफ़र कर रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम है, तो क्या उन्हें कुछ खाने पीने में भी कोई परहेज़ करना पड़ता है या उनकी नॉर्मल डाइट ही चलती है इसमें, मतलब कि कुछ भी खाया जा सकता है या किसी चीज़ का परहेज़ होता है? परहेज़ तो देखिए सिर्फ उन्हीं को करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन है तो ऑब्वियसली जो पेशेंट पहले से शुगर से पीड़ित हैं या किसी भी ऐसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में हैं उनको थोड़ा सा परहेज़ की ज़रूरत होती है, बाकी और कोई स्पेशल परहेज़ की ज़रूरत नहीं होती है। सर, आपने अभी कुछ देर पहले ही, अभी आप हमें जब लक्षण बता रहे थे उस टाइम पे आपने बोला था कि जो लोग स्विमिंग करते हैं उनको मतलब ऐसा ईयरबड वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है कि बिना ईयरबड के यूज़ हैं, तब क्या कारण होता है कि वो जैसे स्विमिंग के लिए पानी का खेल जो भी लोग खेलते हैं उनमें अधिकतर ये बीमारी देखने के लिए मिलती है, क्यों? उसका रीज़न है सीधा कान के अंदर पानी का जाना। जब कान के अंदर पानी पहुंचेगा तो नमी पहुंचेगी, नमी पहुंचेगी तो फंगल स्पोर्स तो हमारे चारों तरफ ही रहते हैं, तो फिर फंगल स्पोर्स को एक बहुत अच्छा मीडियम मिल जाता है ग्रो करने का, फिर वहां पे ग्रो करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसी वजह से इस तरह के स्पोर्ट्स इवेंट्स जो होते हैं या फिर जो लोग स्विमिंग करते हैं तो बेहतर यही होता है कि वो ईयरप्लग्स यूज़ करें ताकि पानी अंदर ना जाए। नॉर्मली जब हम नहाने जाते हैं तो हम जब तक अंटिल अनलेस अपने कान के अंदर पानी नहीं डालेंगे तो वो इस तरह नहीं जाएगा, लेकिन जब हम पानी के अंदर जाएंगे तो डेफिनेटली अगर कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा तो पानी कान के अंदर पहुंच जाता है, फिर वो इसी तरह के इन्फेक्शंस करने की दिक्कत कर सकता है। सर, आपने जैसे कान में पानी जाने की बात बोली है, क्या उसमें जो ये है क्योंकि स्विमिंग पूल में एक कुछ केमिकल्स पड़े होते हैं पानी को रिफ्रेश करने के लिए, तो उन केमिकल्स की वजह से शायद इस तरीके से होता है या पानी जाने की वजह से उन केमिकल्स की वजह से भी कुछ हार्म होता होगा? नहीं, उन केमिकल की वजह से इतना हार्म नहीं होता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ नमी की वजह से होता है, क्योंकि पानी जाएगा, नमी होगी और नमी होगी तो फंगस के ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर, ये है कि किस तरीके की ऑटोमाइकोसिस का पता लगाने के लिए किस तरीके की जाँचें की जाती हैं, कौन कौन सी वो जाँचें हैं जिनसे हमें पता लगता है कि हमें ऑटोमाइकोसिस है? देखिए, ये इन्फेक्शन की खास बात यह है कि इसके लिए किसी महंगी जाँच की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिंपल फिजिकल एग्जामिनेशन से ये डायग्नोस हो जाता है। बस आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, डॉक्टर एग्जामिन करेगा और उसको देखते ही पता चल जाता है कि फंगल इन्फेक्शन है या नहीं है। अच्छा, आपने अभी एक कॉस्ट के लिए बात की कि बहुत महंगा नहीं है, अगर कॉस्ट की ही बात करते हैं तो इसके ट्रीटमेंट में अमूमन कितना एक्सपेंस आ जाता है? मुझे लगता बहुत ज़्यादा नहीं, कोई भी फंगल ड्रॉप 30 या 40 रुपये की मिलती है और अगर साथ में उसको दर्द वगैरह है या कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन है तो भी जो मेडिकेशन होगा या 200 या 300 रुपये के आसपास की आएगी, तो बहुत ज़्यादा महंगा मेडिकेशन नहीं होता है। अवेयरनेस की ज़रूरत है, अपने आप को डॉक्टर से जल्दी एग्जामिन करने की ज़रूरत है ताकि ये आगे ना बढ़ने पाए। अच्छा डॉक्टर, अभी आप कुछ एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात कर रहे थे, आप हेयर ड्रायर की बात कर रहे थे, हेयर ड्रायर कुछ घरेलू उपाय भी ऐसा होता है तो जिसके लिए हेयर ड्रायर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, विटामिन सी और गार्लिक ऑयल जैसे यूज़ करने के लिए हमेशा सलाह दी जाती है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए तो आपने अभी मना ही किया था कि वो यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन गार्लिक ऑयल हमेशा बोला जाता है कि वो अच्छा होता है कि अगर हम उसको थोड़ा सा ड्रॉप अगर हम कान में डालें, तो क्या ये किए जा सकते हैं? देखिए, ये होम रेमेडीज़ बहुत पहले से प्रचलित हैं, पहले जब ईयर ड्रॉप्स अवेलेबल नहीं थी
तब लोग सरसों का तेल या गार्लिक ऑयल यूज़ करते थे, और जैसे कान में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया, कैनाल में इन्फेक्शन हो गया, पर्दे में इन्फेक्शन हो गया, चूँकि वो थोड़ा सा हल्का गुनगुना करके यूज़ किए जाते थे, तो वो उससे थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन कम हो जाता था। तो बट आज के युग में जब दवाइयाँ अवेलेबल हैं और कोई बहुत महंगी नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वो कितनी प्योर हैं और कितनी उसमें किसी तरह का कोई कंटामिनेशन नहीं है, इसका जजमेंट करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आप जैसे अभी बोल रहे, जैसे दवाइयाँ मौजूद हैं, लेकिन ये भी जो चीज़ें हैं, क्योंकि हमेशा से ये चली आ रही हैं, ये हमेशा से ही बात चली आ रही है, और उसमें क्या होता है कि उससे कभी नुकसान भी नहीं हुआ, क्योंकि लोग ये चाहते हैं, ये लोगों का एक थिंकिंग ये होता है कि ये घरेलू नुस्खा है, दादी नानी का बताया हुआ ये नुस्खा है, और बहुत लोगों को जैसे ही जब बताया जाता है तो वो लोग अप्लाई करते हैं और उससे वो उनको रिलीफ भी मिलता है। लेकिन अब इस पे मना किया जाता है, इस पे मना करने का रीज़न क्या है, क्यों मना किया जाता है? रीज़न देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम कैसे श्योर हों कि वो कंटामिनेटेड नहीं है। सपोज़ दैट किसी आदमी को इन्फेक्शन हुआ और उसने कान में ऑयल डाल लिया, अगर उस ऑयल में कोई भी चीज़ कंटामिनेशन है, मौजूद है, और उसके कान का पर्दा फटा हुआ है, अब उस आदमी को नहीं पता है कि हमारा कान का पर्दा फटा है या नहीं फटा है, तो अभी तक तो जो भी था वो एक्सटर्नल था, अभी आपने वो चीज़ अपने कान के अंदर पहुंचा दी, तो उससे फर्दर इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो इन्फेक्शन किस एक्सटेंट तक जाएगा ये हमें नहीं पता रहता है, तो इस वजह से आज के युग में यही सलाह दी जाती है कि जब ये चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप प्रॉपर मेडिकेशन करिए। अच्छा, और एक विटामिन सी की भी बात जो की जा रही है, तो विटामिन सी कहाँ तक कारगर है? विटामिन सी फंगल इन्फेक्शन में इस तरह का कोई इसका रोल ऐसा नहीं देखा गया है। हाँ, विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाता है, ठीक है, तो वो ओवरऑल इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं कि हाँ कान में फंगल इन्फेक्शन है तो विटामिन सी यूज़ करने से वो करेक्ट हो जाएगा, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। सर, और ये है कि जैसे ऑटोमाइकोसिस के इलाज के पहले और बाद में क्या चीज़ें ध्यान देने वाली होती हैं, कि किन बातों का हम खास ख्याल रखें? ख्याल रखने वाली बात यही है कि देखिए, ऑटोमाइकोसिस जैसे आपका इलाज हो गया तो रिकरेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अल्टीमेटली प्रिकॉशंस वही हैं जो आपको पहले बताए गए हैं कि कानों को आप बार बार ना खुजाएं, अगर कानों में किसी तरह का इस तरह का खुजली हो रही है या ब्लॉकेज हो रहा है तो आप तुरंत उसको डॉक्टर से सलाह लें और उसको क्लीन कराएं। अब सर, आखिर में हम आपसे एक फीडबैक चाहेंगे, एक निष्कर्ष चाहेंगे कि ऑटोमाइकोसिस पे मतलब एक क्या किस तरीके से एक आपका सजेशन, एक फीडबैक हम चाहेंगे कि आप अपने हमारे प्राइम टीवी के व्यूअर्स को एक दें। देखिए, ऑटोमाइकोसिस बहुत ही सिंपल बीमारी है, अवेयरनेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एक ख़ास मौसम में होने वाली बीमारी है। आजकल जैसे सर्दी का मौसम है, इसमें हमारे कानों में अगर खुजली हो रही है, ब्लॉकेज हो रहा है, या किसी तरह का कोई डिस्चार्ज हो रहा है, तो बेहतर ये है कि आप अपने नियर अबाउट जो भी ENT सर्जन है उनके पास जाएं, अपने कान का प्रॉपर एग्जामिनेशन कराएं, ताकि अगर अंदर इस तरह की कोई फंगल डेब्रिज है उसको क्लीन किया जा सके और उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, रादर देन उसको आप डिले करते रहें, क्योंकि उससे आपकी परेशानियां बढ़ेंगी। थैंक यू सो मच सर। आज के हेल्थ मंत्रा शो में हमने बात की डॉक्टर पंकज वर्मा से, ENT स्पेशलिस्ट, जिन्होंने हमें ऑटोमाइकोसिस से संबंधित काफी अच्छी जानकारी हमें मौजूद कराई है। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक नए सेगमेंट पे, एक नए डॉक्टर के साथ पे। तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी।